यहाँ पे अगर वार हुआ तो आप लोगों को मैं लाइव अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से रशिया, आप लोगों को रियल बम दिखाया जाएगा कैसे गिरता है। आज दूसरा दिन लड़ाई का, यहाँ पे वार का, यूक्रेन और रशिया के बीच। और अभी का जो माहौल खार्किव में आप देख सकते हो, अभी काफ़ी शांत है, कल के मुकाबले बहुत ही अभी शांत माहौल है। कल का नज़ारा कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। और अभी कल शाम से कुछ ऐसा अटैक उटैक हुआ नहीं है, बॉर्डर पे पूरा शांति है। और यहाँ पे आपको ट्राम भी चल रही है, आप देख सकते हैं। तो अभी का जो सिचुएशन है काफ़ी ठीक है, अभी कुछ अटैक उटैक का कुछ अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है। आपको यहाँ से कुछ अटैक होता है तो आपको दिख जाता है। तो अभी पूरा जहाँ तक बात है कीव में, तो कीव में आपको अटैक देखने को मिल रहा है। और अभी जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जगह है वो कीव है, क्योंकि ये कैपिटल है यूक्रेन का, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अटैक हो रहा है। बट पूरा कंट्रोल में है, यूक्रेन का जो आर्मी है पूरा कंट्रोल में किया हुआ है। और स्पेस कम से कम एयरक्राफ्ट, कम से कम 5-6 एयरक्राफ्ट को तो यूक्रेन आर्मी गिराया था मारकर। तो पूरा भी सिचुएशन कंट्रोल में है, कोई भी जगह अभी रशिया वाला कैप्चर नहीं किया है यूक्रेन का, सभी अभी अभी अंडर यूक्रेन के अंदर ही है अभी है। तो आज का जो सिचुएशन है यूक्रेन कीव में, वो आपको थोड़ा सा टेंस होने वाला है, क्योंकि जो बेलारूस है, बेलारूस भी डिक्टेटरशिप वाला कंट्री है। तो वहाँ का जो बोल सकते हो जो प्रेसिडेंट है वो थोड़ा सा चूतिया है, मतलब कि सेम ही है पुतिन और वो, उसका नाम शायद वहाँ, मतलब कि पुतिन और वहाँ का प्रेसिडेंट सेम ही है दोनों, मतलब कि दोनों का दिमाग एक ही है। तो उसने, रशिया वाले ने कम से कम 30,000 ट्रूप्स बेलारूस में रखा हुआ था, वो अभी अटैक करने के लिए निकले हैं कैपिटल की तरफ, कीव की तरफ। तो अभी तक वो चेर्नोबिल में ही है, वहाँ से कुछ आगे निकले हैं और वहाँ पे अभी लड़ाई चल रही है। तो अगर उसको अगर कंट्रोल कर लेते यूक्रेनियन आर्मी, तो एक यूक्रेन के लिए मतलब कि बोल सकते हो कि ज़्यादा चांसेस नहीं है अटैक होने का कैपिटल पे, क्योंकि ये जो आर्मी है कुछ ज़्यादा, मतलब कि 30,000 के साथ आपको मतलब ज़्यादा टैंक कुछ ज़्यादा उनके पास है। तो ये अगर कंट्रोल कर लेते आज यूक्रेनियन आर्मी, तो एक बहुत ही खुशी की बात होगा यूक्रेनियन आर्मी के लिए और यूक्रेन के लिए। तो अभी का सिचुएशन यही है, चलेंगे कुछ देर में बाहर शॉपिंग वॉपिंग कुछ करना है, अब खाने पीने है, ग्रोसरी कुछ लेंगे और कुछ मेडिसिन भी लेते हैं। तो आपको दिखाते हैं शॉपिंग में क्या माहौल है। कल तो मतलब कि शॉपिंग मॉल पूरा खाली हो गया था, ग्रोसरी में पूरा काफ़ी लोग गए, मतलब कि 10-15 दिन का सामान सब लेकर खरीद कर रख रहे हैं। तो आज चलते हैं आप अंदर, माहौल कैसा है। तो जो भी पेरेंट्स जो इंडिया में है जो देख रहे हैं, उनको ज़्यादा पैनिक पैनिक होने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, मतलब कि आप अपने जो भी आपका यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क सब कुछ काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ काम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट अभी जहाँ तक है, आप सारा सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। और स्पेशली खार्किव में आप लोग न्यूज़ में देख रहे थे कि अटैक हो रहा है खार्किव में, तो हाँ कल हुआ था यहाँ पे, आप देख सकते हो सुबह का नज़ारा है कुछ ऐसा था। बट अभी कल शाम से अभी तक कुछ अटैक नहीं हुआ, सब वो जो आप देख रहे हो यहाँ से, उस वहाँ पे बॉर्डर है, तो उसके बाद आपका बॉर्डर है यहाँ पे, तो यहाँ से दिख जाता है कुछ अटैक होता है तो आपको वहाँ से जो फायर होती है वो सब दिख जाता है। पर कल से पूरा कंट्रोल में है। तो आपको कुछ देर में चलेंगे और दिखाते हैं आपको शॉपिंग सेंटर कैसा है वहाँ पे। कुछ दिन पहले यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था, अभी नॉर्मल और फिर से बर्फ़ गिरने, बहुत कल रात को बहुत सारे स्टूडेंट जाकर मेट्रो के अंदर वहाँ पे रात बिता है, क्योंकि डर से, और क्योंकि अंडरग्राउंड है तो उससे ज़्यादा सेफ्टी ज़्यादा अच्छा है वहाँ पे। बट मेरे जो ये इस बिल्डिंग में है, सारा इस बिल्डिंग के नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट है, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं था कि कोई दूसरा जगह। बट बहुत जो बेसमेंट में रात गुजारा उनके लिए बहुत ही टफ बोल सकते हैं, क्योंकि टॉयलेट की फैसिलिटी है पर इतने सारे लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है। और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट भी वहाँ पे थे बेसमेंट में। मैं सब कुछ नॉर्मल है अभी यहाँ पे सब कुछ, बस
ट्राम आने वाली है और यहाँ से चलेंगे शॉपिंग सेंटर। ये जगह है यहाँ पे शॉपिंग मॉल, आपको दिखाते हैं चलकर। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे शॉपिंग सेंटर के पास और आपको दिखाएंगे। ये कारवान है, यहाँ पे मोस्टली जो खारकी में रहते हैं स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए। ये बहुत बड़ा ही मॉल है और यहाँ पे ग्रोसरी से लेकर सारा ब्रांड्स आप यहाँ पे मतलब अवेलेबल है शॉपिंग करने के लिए, सारा कुछ अवेलेबल है। अंदर चलते हैं और दिखाएंगे। और मेरे हिसाब से ये बंद तो नहीं होगा, खुला ही है, सब वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो खुला ही होगा, बंद नहीं होगा। लोग बाहर आए हैं और बहुत सारे लोग कल ही अपने ग्रोसरी ले रखे थे, तो वो लोग अपने घर में ही बैठे हैं शायद। और दिखाते हैं चलकर आपको। फॉर्चुनेटली ये बंद है, अब पता नहीं कब खुलेगा, पर अभी बंद है। और देखते हैं आसपास में और कुछ जगह यहाँ पे खुला हो शॉपिंग ग्रोसरी के लिए, क्योंकि इसके अलावा बहुत भी यहाँ पे शॉपिंग ग्रोसरी के लिए अवेलेबल है, तो वहाँ भी चलते हैं देखते हैं वहाँ पर खुला या बंद है। तो यहाँ पर टीवी है, ये आपका यहाँ भी ग्रोसरीज के लिए मिल सकता है सारा कुछ। और एक और यहाँ पे शॉपिंग सेंटर है, दाफी करके नाम है, तो वहाँ भी चलते हैं, वहाँ देखते हैं खुला या नहीं। ये भी क्लोज है, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास है, हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है। अब वहाँ जाकर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, पता नहीं एक घंटा दो घंटा, अब देखते हैं। सब लोग अभी जा रहा है, गाड़ी वाड़ी सब चल रहा है यहाँ पे, अभी जिनको इमरजेंसी है वही जा रहे हैं। और ये हमारा फिटनेस सेंटर जो है, ये सब रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, सब लोग यहाँ रहते हैं। और हम लोग आ गए यहाँ पे एटीवी के पास, एक ग्रोसरी शॉपिंग सेंटर है और यहाँ पे लाइन काफ़ी बड़ा है, मतलब कि एक दो घंटा तो खड़ा होना पड़ेगा। साथ में आप टेका भी है जहाँ पर मेडिसिन ले सकते हैं, तो ये ऐसा सिचुएशन अभी यहाँ पर है। यहाँ खड़ा होते हैं, देखते हैं। ये क्लोज्ड है, मतलब कि अब पता नहीं कब ये ओपन होगा, ऐसा कुछ अभी था पता है नहीं, बंद नहीं है वैसे। और यहाँ पे सब ऐसे लगे हुए हैं कि अंदर जगह नहीं है उतना, तो जैसे जैसे खाली होगा लोग पारी करके जाएंगे अंदर, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो सिस्टमेटिक वे लॉ को फॉलो करते हुए। एक 10 मिनट के अंदर, बहुत 15 मिनट हुआ यहाँ पे, और इतना बड़ा लाइन देख सकते हैं। तो सामान लेते हैं, इम्पोर्टेंट जो सामान है, ब्रेड वेड तो मिलना मुश्किल है, पर जो भी है यहाँ पे जल्दी से पैक करते हैं और चलते हैं घर। अभी हम लोग ज़्यादातर फल फ्रूट लिए हैं और रेडीमेड सामान ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो और भी कुछ लेते हैं, बिस्किट विस्किट, चिकन बहुत ज़रूरी है। पूरा सेक्शन खाली है, चिकन है ही नहीं यहाँ पे, तो कुछ और ले रहे हैं। ये कुछ बाकी है रेडीमेड, पता नहीं क्या है, चिकन अनफॉर्चुनेटली चिकन नहीं मिलेगा यहाँ पे। सारा यहाँ पे हम लोग सामान खरीदें जितना भी है यहाँ पे, दाल चावल पास्ता यही सब है इसमें, और बड़ा सा लाइन कि यहाँ चलेंगे घर फ्लैट पे। अभी हैवी है, स्नो पड़ने लगा, सुबह से कुछ नहीं था, अभी यहाँ ज़्यादा बर्फ, 2 घंटे के अंदर इतना बर्फ हो गया।
ये अब तक का यहाँ पर मेडिसिन मिलता है सारा, यहाँ पे लाइन इतना बड़ा लगा हुआ है, और खाने पीने के लिए और मेडिसिन यही दो जगह है जहाँ पे ज़्यादा भीड़ दिखने को मिल रहा है। सब लोग पैनिक है सिचुएशन को लेकर। ये तीसरा हफ्ते का चेंज कर रहा है, तीन बार चेंज करना पड़ा, सिचुएशन थोड़ा ख़राब है, देखते हैं क्या होता है। Вон, стоит, две штучки. Где ты? Ты где рал?